मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच में एक ऐसा मामला सामने आया जहां पहली बार कोर्ट रूम के अंदर मेडिकल छात्रा की कॉपी जांची गई। हालांकि छात्रा फेल हो गई। दोबारा कॉपी जांचने और फिर फेल होने पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए छात्रा पर जुर्माना भी लगाया। पूरा मामला दतिया मेडिकल कॉलेज का है जहां की छात्रा आकांक्षा गहलोत ने एग्जाम की कॉपी की रीचेकिंग के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल ने रेलवे अधिकारियों के बच्चों को सम्मानित करने और उनका उत्साह बढ़ाने के लिए बड़ी पहल की है। इस पहल के अंतर्गत अब रेलवे अधिकारियों के बच्चों को फ्री लैपटॉप देने का कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस आयोजन में भोपाल मंडल की जनरल मैनेजर ने मेधावी छात्रों को लैपटॉप वितरण किए। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस से भाजपा में आए फरार भाजपा नेता अक्षय कांति बम को हाईकोर्ट से फिर राहत नहीं मिल सकी। अक्षय बम ने दो अलग अलग अदालतों में याचिकाएं दायर कर रखी हैं। हाईकोर्ट से इस केस में अग्रिम जमानत मांगी थी, जबकि ट्रायल कोर्ट से धारा 307 लगाने पर पुनर्विचार याचिका दायर की है। दोनों में सुनवाई के लिए 24 मई तय की गई थी। अग्रिम जमानत याचिका पर तारीख बढ़ गई है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स की आवाज़ उठाने वाले वर्षों पुराने विभिन्न संगठनों के रजिस्ट्रेशनों को समाप्त कर दिया है। संगठनों के रजिस्ट्रेशन समाप्त करने को लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। विभिन्न संस्थानों के पंजीयन रद्द करने को लेकर प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने मोहन सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने भाजपा सरकार को तानाशाह चेहरा बताया है। मध्य प्रदेश में इन दिनों गर्मी लोगों के हाल बेहाल कर रही है। दिन में तेज धूप से पारा बढ़ता जा रहा है, वहीं रात तक गर्म हवाएं लोगों को बेचैन कर रही हैं। गुना में गुरुवार को दिन में पारा 46.6 डिग्री पहुंच गया। प्रदेश के 7 शहरों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री के ऊपर चल रहा है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने वास्तविक समय के मतदान आंकड़ों और भारत के चुनाव आयोग के जारी अंतिम आंकड़ों के बीच भारी अंतर पर सवालिया निशान उठाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, देश में चल रहे लोकसभा चुनाव में रियल टाइम मतदान और बाद में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी संशोधित मतदान के आंकड़ों में अब तक 1.07 करोड़ वोटों की वृद्धि हुई है। रियल टाइम और संशोधित आंकड़ों में वोटों की इतनी बड़ी वृद्धि अभूतपूर्व एवं चौंकाने वाली है। दमोह जिले के हटा थाना पुलिस ने गुरुवार को एक लुटेरी दुल्हन गैंग का पर्दाफाश किया है। इस लुटेरी दुल्हन ने 5 दिनों में 2 शादी कर 2 युवकों को ठग लिया। हालांकि हटा के जिस युवक से उसने शादी की थी उसने अगले ही दिन लुटेरी दुल्हन के बारे में समझ लिया और पुलिस को खबर कर दी। पुलिस से पूछताछ में युवती ने अपना जुर्म कबूल लिया है, साथ में अपने साथियों के नाम भी बता दिए हैं। पुलिस के अनुसार 5 लोगों का गिरोह है जो इस तरह से लोगों को शादी करने के नाम पर ठग रहे थे। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी लगातार मोहन सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने दावा किया है कि मध्य प्रदेश सरकार 3,73,000 करोड़ के कर्ज में डूबी हुई है और अब रिजर्व बैंक ने एमपी सरकार को कर्ज देने से मना कर दिया है। जीतू पटवारी ने ये भी दावा किया कि मोहन सरकार मध्य प्रदेश की संपत्ति को बेचने की तैयारी कर रही है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव रिजल्ट के बाद बड़ी सर्जरी हो सकती है। सरकारी सूत्रों के अनुसार इसकी तैयारी प्रशासनिक स्तर पर शुरू हो गई है। परफॉर्म नहीं करने वाले कलेक्टरों और अफसरों पर गाज गिरेगी। कामकाज के आधार पर अधिकारियों की रेटिंग की जाएगी। यह रेटिंग राजस्व मामलों में लंबित मामले, गेहूँ खरीद, किसानों के लंबित जमीन संबंधी मामलों के अलावा कानून व्यवस्था के आधार पर जारी की जाएगी। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गई सिंधिया समर्थक पूर्व मंत्री इमरती देवी ने चुनाव निपटते ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पटवारी के इमरती में अब वो रस नहीं रहा वाले बयान के खिलाफ उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। अब इमरती देवी जीतू पटवारी की गिरफ्तारी की मांग कर रही है।